समाजवादी का कुछ डिसाइड है, पहले प्रेस को बुला लिया जाता, अगर उसके बाद आप कहते नहीं है। और बकायदा मीडिया वाले पहुंचो जाते हैं भैया, उत्तम पटेल जी अंगूर दिखा दिखा कर खा रहे थे। हमने कहा अगर हम होते तो बाप का अंगूर छीन लिए होते और दो तीन ठोरी हमो खा लिए होते। हैरान मत हो गए, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में समाजवादी भैया कांता प्रदेश अध्यक्ष चाहते नरेश उत्तम पटेल जी चश्मा पहनकर द्वितीय विधायकों के बीच में लपालप अंगूर खा रहे थे या ना जाने का खा रहे थे। वैसे गोल मटोले चीज थी भैया और मीठी चीज रही होगी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गई कि देखो देखो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुला भी लिया प्रेस वार्ता में और उसके बाद बकायदा मीडिया सवालों जवाबों नहीं दिया और प्रेस वार्ता नहीं भी की गई। पहले सुन लीजिए उसके बाद आगे सुनाएंगे कि पत्रकार को इन लोगों ने हूतिया समझ रखा है। बुलाया गया आपको इनवाइट ना किया तो कोई बात नहीं थी। समाजवादी का यहाँ कोई डिसाइड ही नहीं होता बाराबंकी जिले में क्या करना है क्या नहीं करना है। जी एक दल तो बने यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समाजवादी का कुछ डिसाइड है, पहले प्रेस को बुला लिया जाता, अगर उसके बाद आप कहते नहीं होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब पत्रकार छूटिया है क्या, बेवकूफ है। अब उत्तम पटेल जी हाथ जोड़ने से क्या होगा, पहले पत्रकार को बुला लेते हैं उसके बाद बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती है और केवल संवाद कार्यक्रम होता है। जब अपनन कार्यकर्ता से बातचीत करनी तो चाहे फोन पर बात कर लिए होते हैं या बैठक कर लिए होते हैं, पत्रकार को बुला लिए होते हैं। ज्यादा बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, पर बकायदा ऐसे प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो समाजवादी पार्टी जीत भाई। पर फिलहाल बाराबंकी जब उत्तर प्रदेश के लिए एवेन्यू 4 की रिपोर्ट। और खासतौर पर वो जो चाय वाले शब्द को हमने हाँ में परिवर्तित कर दिया, किसने बोला था ये भी आपने सुन लिया होगा, तो हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एमएलसी साहब एमएलसी बने जाए तो बहुत बड़ी बात है भैया, हो सके तो वीडियो शेयर करना चैनल सब्सक्राइब करो। अभी वीडियो को चाहे आसपास के पड़ोसियों को भेजो और मेरे को जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार, तुरंत जाओ जाकर ढूंढो देखो मिल जाएंगे।